कपल ऑफ फैसलाबाद मिस्टर एंड मिसेस नासर हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, माशाल्लाह कितना प्यारा जोड़ा है। और अच्छा, जो गले में पहने वो भी सेम है, तो जाहिर बात है। ये लॉकेट कैसे आया, ये कैसे है? कैसे है ये 37 इयर्स से हम लोग कर रहे हैं और नासर साहब के ज़हन में आया। ओके, मैंने इसको फॉलो किया कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना किया। 37 इयर्स, शादी को कितने साल हुए? 38। यानी शादी के एक साल बाद आप लोगों ने एक साल लगाया इसकी पूरी प्लानिंग में, सोचने में कि कोई ऐसा काम करें। और कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रॉम टीम नयादैन। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से स्टार्ट लिया हम लोगों ने, फिर लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो उसको देखते हुए बड़ी हिम्मत बनी। फैसलाबादी बादी होंदे ने बड़े रंगीन मिजाज होंदे ने, पंजाबी थोड़ी ऐसे टूटी बूटी से, मैं बेसिकली लाहौर से हूं लेकिन मुझे बोलने का बड़ा शौक है। तो ये जेडी रंगीन मिजाजी हैगी है, कित्थों आई? ए रंगीन मिजाजी नहीं होंदी फैसलाबादियां दी, जुगतबाजी। वेख्या, दिल दी गल कर दित्ती है ना, ते जरा जुगतबाजी हो जाए। जुगतबाजी होती है कि किसी टाइम हम लोग घर से बाहर निकले, कोई ज़्यादा अफराद हो गए हैं तो गाड़ी एक है, तो फिर हम ये कहते हैं पीछे मंजी बांध लो। कमाल, ये तो शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग हम मिलके करते हैं। मिलके करते हैं। कभी ऐसा हुआ अकेली आप गई हो शॉपिंग करने और आपने भी सेम ड्रेस लिया, फिर उन्हें पसंद ना आया और या आपके साथ ऐसा मामला हुआ? नहीं, हुआ नहीं कभी ऐसा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इकट्ठे जाते हैं और पहले कपड़ा चूज करते हैं, कलर चूज करते हैं, उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की बारी आती है। ओके, फिर वो सिलेक्शन होती है कि कैसी हो। और एम्ब्रॉयडरी मस्ट होती है हर ड्रेस मस्ट की? मस्ट होती है। अच्छा, वैसे सजेस्ट ज्यादा कौन करता है कि आप करती हैं, आप करते हैं कि भाई ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए? पहले मैं करती हूं। हाँ। जब मुझे समझ नहीं आती फिर मेरी हेल्प ये करते हैं। अच्छा, बस इसके अलावा दूसरा बंदा कोई ऑन है भाई, खातिन पहले हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं है। ओके, खुद ही करते हैं। किसी इवेंट पे भी जाएं तो बड़े मजे के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते होंगे। बड़े अच्छे हाँ, लोग सेल्फीज भी लेते होंगे दोनों के साथ। बेतहाशा, ये अभी देखे हैं सेल्फी। नासिर साहब, आप इतने क्यों खामोश हैं? फैसलाबादी तो बड़े कोई ऐसे भाई है कि बोल नहीं देते सामने वाले को। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो लिबास है ना, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम अपने लिबास से प्यार मोहब्बत का दर्श देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। यानी अच्छा, हम नहीं बोलते हमारा लिबास क्या बात है। ये कॉपी भी होता है फैमिली में या किसी और जगह पे आप कभी देखते हैं? नहीं, किसी ने कॉपी नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली देखते जरूर हैं, कोऑर्डिनेशन होती है इवेंट्स पे, कपल्स करते हैं मेट भी कलर और स्टाइल। हाँ, कलर्स का कर लेते हैं सम टाइम, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हम लोग। आप लोग तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए ना, कि इतनी माशाल्लाह हैवी एम्ब्रॉयडरी और नासिर साहब ने भी जाहिर है उसको कैरी किया हुआ है। अच्छा, फैमिली में कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता हो या लोग फैमिली वाले क्या आगे से कमेंट्स देते हैं इस चीज पे, या जब शुरू किया था तब क्या रिएक्शन था? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा था। अच्छा था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमेशा अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या होगा कि सदा ऐसे ही रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनते रहे सेम सेम। और हमारा जो दरमियान वाला बेटा है वो ये कहता है कि बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रोशन किया। वैसे बच्चों की ये सोच तो नहीं कि बच्चे भी बिल्कुल अब सोचें कि काफी साल हो गए अब हम भी ऐसा करते हैं, मामा बाबा जैसे ही कपड़े बनवाए, या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने भी बनवा लिए? ऐसा नहीं, ये उनकी तरफ से नहीं है या आपकी तरफ से नहीं? नहीं, वैसे नहीं है। ओके, मतलब बच्चे जो है ऑन द जॉब है, तो जॉब जो है वो इस तरह की उनको इजाजत नहीं देती कि इस तरह के काम करें वो। आपका माशाल्लाह एक जो तीसरे नंबर वाला दरमियान वाला बेटा, वो ये कह रहा है कि जी आप उनके लिए भाई से फख्र हैं, तो क्या वो अब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, मतलब जब उनकी शादी होगी तो वो भी अपनी बेगम को कहेंगे? माशाल्लाह बच्चे हैं उनके, उनके आगे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, वो भी ये चीज लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा मतलब अब आप दादा दादी हैं तो वो पोता पोती क्या कहते हैं? वो खुश होते हैं।